हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गरिमाज गुड लाइफ। वैसे तो ह्यूमन इमोशंस काउंटलेस होते हैं, उन्हें काउंट करना इम्पॉसिबल है, लेकिन एक्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से नाट्य शास्त्र में इन इमोशंस को 9 इमोशंस में बांट दिया गया है। सो एज एन एक्टर आपको ये 9 इमोशंस पता होने चाहिए, इनकी समझ होनी चाहिए और इन्हें परफॉर्म कैसे करना है वो भी आपको आना चाहिए। इन 9 इमोशंस को ही कहते हैं नवरस, और आज के इस 7 वीक्स बिगिनर एक्टर ट्रेनिंग प्रोग्राम में हम इसी के बारे में बात करेंगे। नाट्य शास्त्र में पहला रस है श्रृंगार रस, यानी कि द एक्सप्रेशन ऑफ लव एंड ब्यूटी। प्यार वैसे तो दुनिया का सबसे इजी लेकिन सबसे कॉम्प्लिकेटेड इमोशन हो सकता है, क्योंकि हर इंसान का प्यार जताने का तरीका अलग होता है। अलग इंसान के प्रति हम अलग तरीके से प्यार जताते हैं। सो एक्टिंग वाइज इस एक्सप्रेशन को, इस रस को कैसे समझा जाए, ये जानने के लिए हम सीधे चलते हैं कोलकाता मेरे को ट्रेनर एक्टर NSG एलुमनाई सोम के पास। हाय 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 गरिमा, जब भी आप हर बार कहती हैं कि चलते हैं सोम के पास कोलकाता, कोलकाता में ना इतना प्यार भरा शब्द है वो, लेकिन मुंबई मोहब्बत और दिल्ली इश्क, तो हर शब्द में प्यार है, वही है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस को समझने के लिए प्यार क्या है उसको समझना बहुत जरूरी है। तो आपके लिए प्यार क्या है, सिर्फ अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से जाके ऐसे कह दो, या फिर पति पत्नी उनके बीच प्यार है, आई लव यू आप उन्हीं को कह सकते हैं, जिंदगी में और किसी को नहीं कह सकते, ऐसा है क्या? एक बच्चा आपको दिख गया, एक छोटा सा बच्चा, गोलू मोलू होता ना, गुजू गुजू गुजू, ओ ओ रोतने रोतने, चुप चुप, प्यार से ही तो चुप करवा रहे हैं आप उसको। तो डॉगी को कैसे करते हैं, डॉगी का नहीं करना उधर, नहीं 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 नहीं, चलो सीधा जाओ, टॉमी जाओ उधर, तो प्यार से ही डांट रहे हैं आप उसको। डांटना है लेकिन जो मेन उसमें जो इमोशन है वो प्यार है। तो हर चीज में जब भी श्रृंगार रस की बात हम करते हैं या प्यार की बात करते हैं, प्यार जो इमोशन है उसको समझने के लिए जरूरी नहीं प्यार मतलब ही मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूं, ये जरूरी नहीं कि हर बार प्यार मतलब यही है। तो प्यार के अलग अलग तरीके हैं, प्यार का टाइप्स ऑफ प्यार है, बहुत तरीके का प्यार है, उन चीजों को समझें तो तभी आप श्रृंगार रस को, इस इमोशन को समझ पाएंगे। तो अपने माता पिता से भी तो आप प्यार करते हैं, वो प्यार आप किस तरीके से जाहिर करेंगे, आई लव यू जब आप उनको कहेंगे कि मां मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, बिल्कुल अलग होगा, लेकिन आप अपने गर्लफ्रेंड से कैसे कहेंगे या उसका तरीका कैसा होगा। सो दिस इज श्रृंगार रस। जैसे हम दोनों, मैं और गरिमा, आपसे बात करते हैं तो बहुत प्यार से ही तो बात करते हैं, आपको डांटते क्या? और आप सब लोग ये सब्सक्राइब करके जाइएगा, चैनल देख के जाइएगा। दोस्तों आपको ये चैनल सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर करना है, प्यार ही तो है। तो श्रृंगार रस में कह रहे हैं लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अरे ये तो ऑटोमेटिक ट्रांजिशन अगले रस में हो गया, यानी कि हास्य रस, लाफ्टर, कॉमेडी। भाई देखो, लोगों को हंसाना जो है वो इतना आसान काम नहीं होता, और स्क्रीन पे खुद लाफ्टर पैदा करना भी उतना आसान काम नहीं है। एक एक्टर को कॉमेडी करने के लिए बहुत स्पॉन्टेनियस होना पड़ता है, काफ़ी प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए होता है, और इस रस का मज़ा तो तभी आता है जब एक्टर अपने एक्सप्रेशन के जरिए ऑडियंस को इस रस का मजा दिला सके, है ना सोम? बार बार बताओ गरिमा, कोलकाता का हाल बहुत बुरा है और मुंबई की स्थिति भी खराब है, और जो ये ऊपर से आते फ्लाइट व्लाइट वो भी बंद कर दिया है उन्होंने, तो कोलकाता तुम ऐसे नहीं आ सकते, पंख लगाना पड़ेगा आने के लिए। हास्य रस क्या है, हंसना है आपको और क्या है? हास्य रस मतलब वहां पे ऐसे कुछ सिचुएशन क्रिएट होता है, या जैसे आप बात कर रहे हैं तो उसमें हंसी ही बहुत ज्यादा है। अब हास्य रस कहाँ होता है, हंसी ऐसे होता है कि आपको किसी ने पूछा, जैसे मुझे कोई दोस्त पूछ रहा है कि यार कैसा है, मैंने बस जवाब दिया यार क्या बताऊं कैसा हूं, तो हंस के ही बताया मैंने, क्योंकि ये जो कोविड की स्थिति है
उसमें बताना लायक कुछ है नहीं, क्योंकि दुनिया में सबका हाल एक ही है, सभी लोग वही बेचारा होके बैठे हुए हैं, तो उनके पास और कुछ नहीं हंसने के अलावा। हाँ यार सही चल रहा है, हंस के ही आपने कहा ना, आपके अंदर कुछ चल रहा है लेकिन आपने हंस के कहा। अब लोग हंसते भी अलग अलग तरीके से, जैसे कोई बिल्कुल कितना भी हंसी आ जाए ऐसे हंसते हैं, कोई खुल के हंसता है तो ऐसे खुल के भी हंसता है। मेरी एक बैचमेट है तो वो ऐसे खुल के हंसती थी, तो लोग अलग अलग तरीके से हंसते हैं, तो वो हंसना भी आप देखें कि अगर कोई कैरेक्टर कर रहे हैं और हंसने की जरूरत है तो अलग अलग तरीके से हंसी भी आप ढूंढ सकते हैं। तो अगर एक डायलॉग मान लो मैं ले लेता हूं, मुझे हास्य रस में कहना है, जो टेक्स्ट है प्यार का पंचनामा में एक डायलॉग है कि प्रॉब्लम यह है कि वो लड़की है, तो इसको मैं हास्य रस में कहूं तो कैसे बताऊं यार प्रॉब्लम यह है कि वो लड़की है। अच्छा तो प्रॉब्लम यह है कि वो लड़की है, तुमने इस लड़की का गुस्सा नहीं देखा? अरे सोम को धमकी नहीं दे रही हूं, बल्कि आपको अगले रस से इंट्रोड्यूस करवा रही हूं, जिसका नाम है रौद्र रस। जी हां, यानी कि गुस्सा, एंगर, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। याद है ना सनी देओल का वो फेमस डायलॉग? भाई उनके रौद्र रस ने ही उन्हें इतना फेमस बना दिया था। वैसे एंगर की अगर बात करें तो एंगर कई टाइप का होता है, अंदर छुपा हुआ साइलेंट अग्रेसिव एंगर, चिल्ला के बहुत ज्यादा गुस्से वाला एंगर, और बहुत ज्यादा रिएक्टिव वाला एंगर। गुस्सा मत दिलाओ मुझे, गुस्सा बहुत गुस्सा हो जाता हूं मैं, अगर मैं गुस्सा कर गया ना तो मैं एकदम अंदर आके मारूंगा मैं तो। यह क्या हमेशा ऐसे होता है कि हम जब भी डायलॉग मिलता है हम गुस्सा करने लगते हैं, मैं मार डालूंगा तुझे। गुस्से का बिल्कुल अलग 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 वेरिएशन होता है। गुस्सा आप किस पे कर रहे हैं वो डिपेंड होता है। आप बाहर वाले रास्ते पे गुस्सा कर रहे हैं कि आप किसी इंसान के ऊपर गुस्सा कर रहे हैं, आपने बाहर कुछ देखा, घर में आके गुस्सा कर रहे हैं। हम गुस्से में बहुत टेक्स्ट कर देते हैं, पोस्ट कर देते हैं, गुस्से वाला इमोजिस जो है वो डाल देते हैं, तो गुस्सा अलग अलग तरीका होता है। आप घर पे अपने मम्मी पापा के साथ जैसे गुस्से में बात करते हैं, या फिर अपने आप जब बाहर जाते हैं तो वैसे नहीं करते, या फिर जब आप अपने प्राइवेट लाइफ में किस जिस तरीके से गुस्सा करते हैं, आप किसी चीज पे गुस्सा हो गए तोड़ फोड़ कर दिया घर पे अपना है। हमेशा इमोशन एक जैसा नहीं होता, मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि सिचुएशन का डिमांड होता है कि गुस्सा क्या होता है। जैसे अगर मान लो कि आपने मुझे कुछ कहा, मैंने सुना कि मैं आपको उस वक्त कुछ कह नहीं सकता, तो बिल्कुल यहां से आप देखेंगे ये गाल पे ये जो बोन्स है बिल्कुल ऐसे हिलता है, चेंज हो गया थोड़ा सा चेहरे पे कुछ, शायद वो बोल नहीं पाया। इंसान कभी कभी अपने अंदर भी गुस्सा हो जाता है कभी कभी। शिट यार, शिट। एक ही लाइन दो तरीके का गुस्सा हो सकता है। प्रॉब्लम ये है वो लड़की है, तो मैं अगर बिल्कुल खुल के गुस्सा करता हूं, प्रॉब्लम ये है कि वो लड़की है, और अगर मैं हो सकता है मैं अपने अंदर बोल रहा हूं, प्रॉब्लम ये है कि वो लड़की है, तो ये मैंने दो तरीके से कहा, लेकिन और भी कई तरीके का गुस्सा हो सकता है, वो आपको खुद से ऑब्जर्व करना है, खुद से ढूंढना है कि रौद्र रस जो कहते हैं वो सिर्फ गुस्सा है और गुस्से का कितना वेरिएशन हो सकता है। सो फ्रेंड्स, अगली बार जब आपको गुस्सा आए ना तो एक काम कीजिएगा, पहली चीज तो ये कि अपनी ब्रेथ को ऑब्जर्व कीजिएगा, और दूसरा ये कि आप जो इमोशन महसूस कर रहे हैं उस पे ध्यान दीजिएगा। अब इससे दो फायदे होंगे, एक तो ये कि आपका ध्यान डाइवर्ट होगा तो शायद आपका गुस्सा ही खत्म हो जाए, और दूसरा ये कि आपको एक्टिंग के लिए अपने एंगर का शायद एक नया एक्सप्रेशन मिल जाए। वैसे एंगर से बिल्कुल ऑपोजिट है हमारा अगला रस, जिसका नाम है करुण रस। करुणा यानी कि काइंड हार्टेडनेस, कंपैशन। इस रस को सैडनेस, सोरो, फेलियर इन सब इमोशन से भी जोड़ा जाता है। पर क्या इसका मतलब यह है कि इस रस को परफॉर्म करते हुए आंसू आने ही चाहिए, आंसू आना कंपलसरी है? सोम बताइए। करुण रस ऐसा नहीं कि हमेशा आपको रोना ही है। आप करुण रस, आपको कहा गया एक लाइन को आपको करुण रस में बोलना है और आप ऐसे रोने लग गए, आप दुखी हो गए, बिल्कुल दुखी हो गए। दुखी होने का मात्रा कुछ अलग होता है, हमेशा हम अलग अलग तरीके से दुखी होते हैं। जैसे अगर मैं बहुत ही रिसेंट एग्जांपल दूं, क्योंकि अगर मान लीजिए कि सुशांत का डेथ हो गया तो उससे हम बहुत ही दुखी थे, या इरफान खान साहब का डेथ हो गया
उससे हम बहुत ही दुखी हुए, लेकिन आज क्या वो दुख और उस दिन का दुख जब हमने सुना, इट्स अ शॉकिंग न्यूज, तो सुनने के बाद जो हम दुखी हुए, पहले तो शॉक हो गए, वो कोई और इमोशन में आ जाता है, लेकिन जो दुखी हुए उस दुख का और आज के दुख का अंतर काफी है अगर आप अपने आप रियलाइज करें तो। क्योंकि मैं जब बताऊंगा 10 साल बाद यही सुशांत के बारे में बताऊंगा, या जैसे मेरी माँ नहीं है तो मैं आज बताता हूँ 4-5 साल बाद, तो मैं उस दिन की तरह नहीं बताता हूँ, बताते बताते मेरे आंखों में आंसू नहीं आ जाते, लेकिन ये दुख है, सैड है मेरे लिए। या मैं अगर बता रहा हूँ कि बच्चन साहब को कोविड वो पॉजिटिव हो गए एंड मतलब पूरे दुनिया में इतने सारे लोग हो गए और मैं चाहता हूँ कि बहुत जल्द कोई एक दवा आए और सब लोग ठीक हो जाए, ये भी एक तरह का सैडनेस है मेरे अंदर। तो सैडनेस का वेरिएशन अलग अलग होता है, इमोशन हमेशा इंसान के उस सिचुएशन पे अलग अलग डिपेंड करता है। तो ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं कि हमेशा सैड कहते ही आप रो पड़े, उस सिचुएशन को पहले समझे। वो दुख का सिचुएशन तो है, लेकिन कितने दुखी हैं आप, उस सिचुएशन का डिमांड क्या है, रोना है नहीं है, या फिर बहुत ही बातचीत जो कर रहे हैं उसमें दिख जाए कि आप दुखी हैं। चलिए, सोम की ये बातें सुन के शायद आप में से बहुत लोगों का फियर ऑफ क्राइंग यानी कि आंसू नहीं आने का डर शायद खत्म हो गया होगा, लेकिन अगले रस को समझने के लिए आपको डर से आगे निकलना होगा, क्योंकि डर के आगे भयानक रस है। भयानक सुनते ही पता चल जाता है, स्केरी, डरावना सिचुएशन है, लेकिन वो डर किस बात का है? आपको अंधेरे से डर लगता है या फिर आप जैसे कॉकरोच से लड़कियों को डर लग जाता है ऐसे? मतलब लड़कियों को मैं ऐसे स्पेशली नहीं कह रहा हूँ, लड़कों को भी लगता है, मुझे भी थोड़ा प्रॉब्लम तो होता ही है कॉकरोच देखने से, लेकिन डर किस बात का है? जैसे मुझे भूत के जो फिल्म है वो हॉरर फिल्म्स, वो अकेले देखने में बड़ा डर लगता है, रात को मुझे ऐसे दिमाग में सपने आते हैं। ये डर भी हो सकता है आपके अंदर कि सोशल मीडिया में आप कुछ कमेंट करने वाले हैं, लेकिन उस कमेंट को लेकर आप डर रहे हैं कि वो कमेंट आप करना चाह रहे हैं, आपके मन में इच्छा है, लेकिन लोग उस पर क्या रिएक्ट करें ना करें आप डर रहे हैं। लेकिन जो भयानक है, भयानक जो रस होता है वो है कि एक्सट्रीम लेवल का, भयानक नाम सुन के लगता है, तो डर अलग अलग होता है, लेकिन जैसे हम भयानक की बात कर रहे हैं तो मतलब एक्सट्रीम लेवल का होता है कि ये जो स्थिति है अपने आप में, इसीलिए मैंने सबसे पहले कोविड की बात किया कि इस वक्त दुनिया की जो स्थिति है वो बहुत भयानक है, इसमें कोई भूत या राक्षस आपको ऐसे नहीं दिख रहा है, लेकिन स्थिति बहुत भयानक है, कभी भी आपके घर में वो वायरस आ सकता है किसी के साथ और आपका कुछ भी हो सकता है, जिंदगी का कोई कुछ नहीं है, तो स्थिति बहुत भयानक है। तो भयानक इज एक्सट्रीम लेवल ऑफ डर। सो गाइज, बैठ के सोचिए कि आप किस चीज से भयभीत होते हैं, हो सके तो अपना फोन का कैमरा कहीं पे माउंट कर लीजिए और उस एक्सप्रेशन को फील करते हुए अपने इमोशंस को, अपने फेस को कैप्चर होने दीजिए। आपको इस रस में कैसे परफॉर्म करना है उससे थोड़ा बहुत कुछ समझ में आ सकता है, लेकिन हाँ, अगर अपना एक्सप्रेशन पसंद ना आए तो भीभत्स मत होइएगा। भीभत्स यानी कि हमारा अगला रस, जिसका मतलब है घृणा। विवत्स होता है जब वो आप सह नहीं सकते, विवत्स ऐसा होता है कि मतलब आप देख नहीं सकते, ऐसा होता है कि अगर मैं अभी कहूं कि मुझे करेला खाना पसंद नहीं है, तो करेला बना है, मैं नहीं नहीं करेला नहीं खाना, या प्लीज मम्मी नहीं करेला मुझे पसंद नहीं है, तो बहुत कड़वा है, वो आपके लिए टेस्ट में विवत्स हो गया। या फिर आपको कोई स्मेल पसंद नहीं है, जैसे मछली का स्मेल बहुत लोगों यार तो उसके लिए विभत्स है। अब ये भी मैं कहूं कि एक्सट्रीम सिचुएशन की बात कर रहा हूं, विभत्स क्या है, किसी का डेथ हो गया और बॉम्ब ब्लास्ट में, जैसे वो फेसबुक में बहुत सारे आप देखेंगे तो कुछ विभत्स फोटो होता है, किसी को जला दिया गया, किसी को मार दिया गया, किसी को गला काट दिया गया, वो सब हमें देखते ना हमें लगता है कि ओह यार अजीब है, अजीब है, मतलब बहुत ही डिसगस्टिंग है, इस चीज को ले नहीं सकते हम, तो वो बहुत एक विभत्स चीज होता है जो हम ले नहीं सकते, देखना नहीं चाहते, स्मेल करना नहीं चाहते, टेस्ट करना नहीं चाहते, उस सिचुएशन का सामना नहीं करना चाहते। और वहीं आप किसी भी सिचुएशन का सामना अगर डट कर वीरता से करेंगे तो आप अगले रस को एक्सप्रेस कर पाएंगे, जिसका नाम है वीर रस यानी कि हीरोइज्म,
करेज। जितनी भी सुपर हीरो फिल्म्स होती हैं या फिर हमारी अपनी बाहुबली, उसमें इस रस का बहुत अच्छा डिस्प्ले हुआ है। और करेज की बात करें तो सच बोलने का करेज, सच बोलने की हिम्मत दिखाना इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस इमोशन। वीर रस, वीर रस सुनते हैं भी पता चलता है कि वीर कौन है, जिनके अंदर कोई डर नहीं है, जो कभी डरते नहीं है, जो बिल्कुल सामना करते हैं हर चीज का। और वो कौन है? हीरोज है हमारे नजर में। जैसे अगर हमने फिल्म देखा है तो कौन है वो? सुपरमैन, स्पाइडरमैन या शक्तिमान, इस तरह के हीरोज हैं जिनको हमने देखा है। बाहुबली, हमें लगता है कि जिसको कभी डर ही नहीं लगता, एकदम भरपूर शक्ति है उनके अंदर, साहस है, जो डरते नहीं। लेकिन रियलिटी में कौन है? जो बीएसएफ के जवान हैं, जो सारे अभी पहरे दे रहे हैं बॉर्डर पे, या फिर हमारे डॉक्टर्स, वो अपने जान पे खेल रहे हैं, उनको कोई डर नहीं है, वही तो है असली वीर, वीर चक्र। या फिर अगर हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बात करें या भगत सिंह की बात करें, खुदीराम बोस जो शहीद हुए, वो सारे वीर हैं, जो शहीद होते हैं वही वीर हैं। तो वीर रस में कभी डर नहीं होता। आपको ये कविता, अगर वीर रस की कविताएं हैं बहुत ज्यादा, जैसे रश्मि रथी रामधारी सिंह दिनकर साहब ने लिखा है, तो उसमें जब भगवान श्री कृष्ण आते हैं दुर्योधन के पास समझाने के लिए, तो दुर्योधन उन्हें बांधना चाहते हैं, तब भगवान श्री कृष्ण जो बात करते हैं, जो लिखा हुआ है, वो बिल्कुल वीर रस में है, उनमें कोई डर ही नहीं है। जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे, ये देख पवन मुझ में लय है, ये देख गगन मुझ में लय है, मुझ में विलीन है झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल। शतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, शतकोटि जिष्णु जलपति धनेश, शतकोटि रुद्र शतकोटि काल, शतकोटि दंडधर लोकपाल, जंजीर बढ़ाकर साधने, हाँ हाँ दुर्योधन बांधने। कहता है मुझे बांधो, मुझे कोई डर नहीं है। तो ये होता है वीर रस, बिना डर के। वाओ सोम, व्हाट अ परफॉर्मेंस, क्या अद्भुत परफॉर्मेंस थी सोम की। और हमारा अगला रस भी यही है, अद्भुत रस, यानी कि वंडर, वाओ, अचंभित रह जाना। याद कीजिए जब आपने पहली बार जुरासिक पार्क देखा था, या फिर डायनासोर्स देखे थे स्क्रीन पर, या एवेटार की वो दुनिया देखी थी, या अपने बाहुबली को शिवलिंग उठाते हुए देखा था, आप अचंभित रह गए थे, राइट? तो यही तो हमारा अगला रस है जिसका नाम है अद्भुत रस। अगर एक दिन ऐसा हुआ कि सुबह उठ के गरिमा ने देखा उसके चैनल पे अभी अचानक से एक रात में अभी 5 करोड़ फॉलोअर्स सब्सक्राइबर हो गए, और मेरे चैनल पे मैंने सुबह उठ के देखा कि 20 लाख सब्सक्राइबर हो गए। वाओ, इट्स लाइक ओ वंडर, चमत्कार हो गया। सो वही है अद्भुत, मैं चमत्कृत हो गया देख के कि क्या हो गया ये। अब अद्भुत ये भी हो सकता है कि हमने कभी सोचा ही नहीं कि ऐसा भी हो सकता है, लॉकडाउन भी हो सकता है और ट्रेन बंद हो गया, मुंबई पे ट्रेन बंद हो गया, फ्लाइट बंद हो गया, ऐसा हो सकता है क्या? कभी किसी ने सोचा नहीं, अद्भुत सिचुएशन है, तो ये भी अद्भुत हो सकता है। तो जो आपके कल्पना के परे हैं, जो आप पहली बार देख रहे हैं, आपने पहली बार देखा, ओ वाओ ये ताजमहल है क्या, मतलब ये मुगल टाइम से है ना, वाह यार कितना खूबसूरत है, तो पहली बार आप देख रहे हैं और आप चमत्कृत हो गए उसको देखकर, ओ ऐसा भी हो सकता है। सो दैट इज अद्भुत रस, वंडर, सरप्राइज। वैसे फ्रेंड्स, इवन आई वाज सरप्राइज जब मैंने एक फोटो शूट किया और उसमें लास्ट वाला जो रस है उसे यूज किया। आपने थंबनेल देखा, वो उसी फोटो शूट का हिस्सा है, और मैं बात कर रही हूं शांत रस की, यानी कि पीस, ट्रैंक्विलिटी, चेहरे पर एकदम पीसफुल एक्सप्रेशन, दिमाग में कोई उथल पुथल नहीं, मेडिटेटिव स्टेट ऑफ माइंड। मुझे ना सारे रसों में से ये वाला रस सबसे डिफिकल्ट लगता है, बिकॉज जब हम शूट कर रहे होते हैं एज एन एक्टर तो हमें मल्टीटास्किंग करनी होती है, दिमाग में 1000 चीज़ें चल रही होती हैं, तो शांत रस का उस समय पैदा होना काफी मुश्किल है। सोम, थोड़ी हेल्प कर दो, बताओ भाई ये रस कैसे लाया जाए अपनी एक्टिंग में। अब है शांत रस और अंतिम रस। क्या हम कभी शांत रह पाते हैं? जैसे मैं अभी आपसे शांति से बात कर रहा हूं लेकिन शांत रस में नहीं हूं, इमोशन, मुस्कुरा रहा हूं, प्यार से बात कर रहा हूं, इसमें हास्य भी है, इसमें प्यार भी है, तो मैं आपसे उसी तरह से बात कर रहा हूं ना। शांत रस तभी होता है
जब इंसान मोक्ष प्राप्त कर जाते हैं, शांत रस को प्राप्त करने के लिए, क्योंकि जब आप सोए हुए हैं और आप सोच रहे हैं, आपके दिमाग में कुछ चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, खत्म ही नहीं होता। गुस्सा, इतने सारे रस हमारे अंदर, इतने सारे इमोशंस हैं। नवरस तो कहा गया है कि 9 रस एग्जैक्टली कहा गया है, उसमें से भी गुस्सा, हंसी, रोना, प्यार, ये चीज हम ज्यादा करते हैं जिंदगी में। सफेद रंग अगर शांत रस है मेरे हिसाब से, बाकी और भी जो बाकी रस हैं, बाकी इमोशंस हैं, वो रेनबो जैसे कलर्स हैं। एक कलर से दूसरे कलर तक जाते हुए जो ट्रांजिशन है, उसमें बहुत तरीके का कलर्स हैं और अलग अलग शेड के कलर्स हैं, अलग अलग इमोशंस भी वैसे ही है। एक इमोशन से दूसरे इमोशन तक आप जब पहुंच रहे हैं, तो शांत रस होने के लिए मेडिटेशन करके, बिल्कुल बिना कुछ सोचे, दिमाग में कुछ नहीं है, खाली हो गया, तब आप शांत रस में पहुंच सकते हैं। तो अब जबकि आप सारे 9 रसों के बारे में जान चुके हैं, सोम आपको एक एक्सरसाइज बताएंगे जिसके थ्रू आप इन सभी रसों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। बस 70 मिनट है तुम्हारे पास, और ये तुम्हारे जिंदगी के सबसे खास 70 मिनट है। तो आज आज अगर तुम अच्छा खेलो, तुम बुरा खेलो, लेकिन ये 70 मिनट तुम जिंदगी में नहीं भूल पाओगे। बस 70 मिनट है तुम्हारे पास, और ये तुम्हारे जिंदगी के सबसे खास 70 मिनट है। आज तुम अच्छा खेलो, तुम बुरा खेलो, लेकिन ये 70 मिनट तुम्हारी जिंदगी में याद रहेगा। 70 मिनट, बस 70 मिनट है तुम्हारे पास, और ये तुम्हारे जिंदगी के सबसे खास 70 मिनट है। आज तुम अच्छा खेलो, तुम बुरा खेलो, लेकिन ये 70 मिनट तुम्हें जिंदगी भर याद रहेगा। तो हम एक्सरसाइज के तौर पे ये करते हैं कि एक डायलॉग को 9 रस में, मतलब 9 इमोशन में हम बोलते हैं। लेकिन 9 इमोशन में जब बोलना है तो क्यों बोलना है? जो गुस्सा हो रहे हैं वो क्यों गुस्सा हो रहे हैं? या फिर जब हम गुस्सा करते हैं तो हमारे ब्रीदिंग में क्या अंतर आता है? सांस फूलने लगता है, या जब हंसते हैं तो क्या होता है? लेकिन सिर्फ एक डायलॉग को 9 तरीके से बोलना ही नहीं है। जैसे मैंने इसके पहले कहा कि अलग अलग सिचुएशन होता है, तो एक डायलॉग का क्यों बोल रहे हैं? जैसे हमने एक टेक्स्ट के ऊपर सीरीज बनाया था कि 5W1H के ऊपर हमने बातचीत किया था, तो यहां पे भी वो जरूरी है कि आप कैसे एक टेक्स्ट को लेते हैं। उसको एक इमोशन में बोलने के लिए आपके पास एक वजह है, वो वजह ढूंढिए पहले। अब क्या होता है कि कभी कभी सिचुएशन अपने आप में एक स्थिति है, एक इमोशन, एक सिचुएशन में एक इमोशन कंटिन्यू हो रहा है, उसके बीच आपका डायलॉग भी है, तो वो सिचुएशन ओवरऑल क्या है? वो सिचुएशन आप रौद्र रस में है कि श्रृंगार रस में है? वो सिचुएशन बहुत प्यार भरा है कि बहुत गुस्से में है, कि बहुत विभत्स एक सिचुएशन है? तो सिचुएशन पहले सोचे, इसलिए मैं 5W1H की बात करता हूं कि सिचुएशन को क्रिएट करें पहले, नहीं तो आपके इर्द गिर्द कुछ नहीं होगा, तो डायलॉग में कुछ भी नहीं होगा। तो ये पूरा जो पीछे का एपिसोड है ना, सारा जो हमने किया है अभी तक, इस एपिसोड को देखते हुए उसको और एक बार सबको रिवाइज कीजिए। जो हम रिवाइज करते हैं ना किताब को, पीछे से आप देखिए, सब कुछ इंटरकनेक्टेड है। इमोशन में सब कुछ इंटरकनेक्टेड है, आपका इमेजिनेशन इंटरकनेक्टेड है, आप जो 5W1H टेक्स्ट की बात हम करते हैं, क्यों बोलना है, कैसे बोलना है, कब बोलना है, वो इंटरकनेक्टेड है। आपका सांस जो है, आपके एक्सप्रेशंस जो है, गुस्से में एक तरह का एक्सप्रेशन होता है और प्यार में एक तरह का एक्सप्रेशन होता है, तो उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा काम करें और फिर ये एक्सरसाइज करें, ताकि ये सारे पीछे के जो चीज है, हमने जो बताया है, उसको आप समझेंगे तो इस एक्सरसाइज को आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे और खुद समझ भी पाएंगे। वो सारे एपिसोड्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, साथ ही मैं इस एपिसोड में प्लेलिस्ट लिंक कर रही हूँ। अगले हफ्ते जो एपिसोड आएगा उसमें बहुत सारा होमवर्क होने वाला है, क्योंकि वो इस सीरीज का लास्ट एपिसोड होगा। सो मेक श्योर कि हमने इस सीरीज में अब तक जो भी काम किया है पहले, उसे आप रिवाइज करके अच्छे से तैयार कर लें। सो फ्रेंड्स, हैप्पी लर्निंग टू ऑल ऑफ यू, लव यू ऑल।